वायरस जिन्होंने विश्व में हाहाकार मचाया था, जिसमें से एक कोरोना का पूर्वज भी है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, मारबर्ग वायरस। इस वायरस को वर्ष 1967 में खोजा गया था। यह वायरस जर्मनी की एक लैब से लीक हो गया था, जो कि बंदरों से इंसान में आया था। जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है, उसे तेज बुखार के अलावा शरीर के अंदर अंगों से खून निकलने लगता है। इसके कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दूसरा, हंता वायरस। कोरोना के बाद फिर चीन में इस वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसके कारण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। चूहों से फैलने वाला यह वायरस पहली बार 1993 में पता चला था, जब अमेरिका में एक कपल इस वायरस से संक्रमित होने के कारण मर गया था। इसके कुछ ही महीनों में इस बीमारी से 600 लोगों की मौत हो गई थी। तीसरा, मर्स। यह वायरस भी कोरोना वायरस की फैमिली का माना जाता है। इसके बारे में पहली बार 2012 में पता चला, जब यह सऊदी अरब में फैला था। इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति को निमोनिया और कोरोना वायरस के लक्षण हो जाते हैं। इस वायरस में 40-50% लोगों की मौत भी हो जाती है। चौथा, सार्स। इस वायरस को कोरोना वायरस का पूर्वज माना जाता है। यह वायरस भी चीन के गुआंगडोंग प्रांत से आया था। यह वायरस भी चमगादड़ों से इंसान में पहुंचता है। इस वायरस के कारण 2 साल में 26 देशों के करीब 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस भी खतरनाक रहा था। पांचवा, इबोला वायरस। यह वायरस भी जानवरों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस के बारे में पहली बार 1976 में पता चला, जब कांगो और सूडान के कुछ लोगों की मौत इस वायरस के कारण हुई थी। साल 2014 में अफ्रीका में भी यह बहुत ही खतरनाक तरीके से फैला था। छठवा, रेबीज। आमतौर पर यह वायरस पालतू कुत्तों के काटने से फैलता है। इस वायरस के बारे में 1920 में पता चला था। इस बार इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा भारत और अफ्रीका में भी देखा गया है। अगर कुत्ते के काटने पर सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सातवा, स्मॉल पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में इस वायरस को खत्म करने की मुहिम चलाई थी। बता दें कि 20वीं सदी में इस रोग से 30 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। इन्फ्लुएंजा। इसके किसी न किसी वायरस से हर साल करीब 5 लाख लोग मर जाते हैं। 1918 में इसका नया वायरस स्पेनिश फ्लू आया था, जिससे 5 करोड़ जाने गई थी। रोटा वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल इस रोग से करीब 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस बीमारी के 2 वैक्सीन बन चुके हैं। दसवां, HIV। इसमें संक्रमित व्यक्ति के बचने के कोई चांस नहीं होते। इससे संक्रमित 96% लोगों की मौत हो चुकी है। 1980 से अब तक HIV से संक्रमित 3,20,000,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मच्छर। 11वां, डेंगू। मच्छरों के काटने से फैलने वाली इस रोग से भारत भी अछूता नहीं रहा है। इस बीमारी के बारे में पहली बार 1950 में फिलीपींस और थाईलैंड में पता चला था। आज भी इससे 20% लोग मारे जाते हैं। 12वां, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है, कि उत्पत्ति चाइना का वुहान शहर माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति यहीं पर 8 दिसंबर 2019 को पाया गया था। 13 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया। अभी तक यह 200 से ज़्यादा देशों तक फैल चुका है और 1,70,00,000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, और यह वर्तमान में भी समाप्त नहीं हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख 12 वायरसों की चर्चा की है।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।